शिमला जिला के रामपुर उपमंडल क्षेत्र के दूर दराज किन्नू पंचायत को कोटाघाट पन बिजली परियोजना प्रभावित 5 लोगों ने एसडीएम रामपुर से मुलाकात की। लोगों ने आरोप लगाया कि परियोजना निर्माताओं ने लोकल एरिया डेवलपमेंट का एक भी पैसा अभी तक जमा नहीं करवाया है, जबकि लाखों रुपए परियोजना निर्माण के दौरान जमा किया जाना था। उन्होंने बताया कि परियोजना निर्माण के बाद अब 2 वर्षों से विद्युत का उत्पादन भी शुरू हो चुका है, लेकिन लाडा का पैसा भी उन्होंने जमा नहीं करवाया है और ना ही बिजली उत्पादन का 1% प्रभावित क्षेत्र को दिया जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि परियोजना निर्माण में जिन लोगों की भूमि गई थी उन्हें समझौते के अनुसार नौकरियां भी नहीं दी गई। कई स्थानीय लोगों की निजी भूमि पर अतिक्रमण करके परियोजना कार्य के लिए प्रयोग में लाया गया। परियोजना निर्माताओं ने उनकी भूमि का कोई मुआवजा तक उन्हें नहीं दिया है। किन्नू पंचायत के धोवा बाड़ी झकदार धार और हुरकू डांडा गांव के लोगों ने एसडीएम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान एसडीएम रामपुर सुरेंद्र ने लोगों को बताया कि इस परियोजना में निर्माताओं को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द धनराशि ब्याज सहित जमा कराए ताकि क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में उनका प्रयोग किया जा सके। किसान नेता बिहारी सेवजी ने बताया कि कोटा घाट हाइड्रो परियोजना किन्नू पंचायत में बनी है। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों और प्रावधानों के अनुसार परियोजना निर्माताओं ने लाडा की राशि जमा नहीं करवाई है। क्षेत्र के लोगों ने इस बारे एसडीएम से गुहार लगाई है। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी उनके समक्ष रखी। कोटा घाट छोटा पनबिजली परियोजना ये किन्नू पंचायत में बना है और जो सरकार के दिशा निर्देश है लाडा के लिए उसके तहत इसने निर्माण की लागत का 1% आज तक जमा नहीं किया है और इसी बात के लिए आज पूरा जो प्रभावित क्षेत्र है सारे लोग आए हैं और एसडीएम साहब से अनुरोध किया है कि इस विद इंटरेस्ट जो है इसकी मैनेजमेंट जमा करें ताकि जो गांव के विकास कार्य हैं जिसमें बगावट गाँव के वहाँ पर हो सके और जो भी बाकी बचते हैं गाँव उसमें हो सके। वहीं टीकम दास ने बताया कि उनकी 6.5 बीघा भूमि पर परियोजना निर्माताओं ने अतिक्रमण किया है। उन्होंने इसके बदले में कोई मुआवजा नहीं दिया। अब वे विवश होकर अतिक्रमण वाली भूमि को खाली करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रीतम दास, हाँ जी, हाँ जी, बाली राम, हाँ जी, तो क्या दिक्कत है आपको? जमीन सारी नुकसान हो गई, 6.5 बीघा जमीन जो है नष्ट हो गया, तो हमें यही है कि भाई हमारे को इस मौका या तो मौका उतार दे या तो पाइपलाइन भी तोड़ फोड़ के हम नुकसान कर देंगे। और जबरन अतिक्रमण किया है जी, तो हमारे को बोला था उस वक्त नौकरी देंगे तो काम चलने दो, बाद में उन्होंने नौकरी कहा, उन्होंने वो जो उसमें मक डाला था जी वो भी नहीं बनाया है। हम चाहते हैं जी हमारे को जो उन्होंने वादे किए वो पूरे करें। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि किन्नू पंचायत के कोटाघाट परियोजना प्रभावित लोगों ने उनसे मुलाकात की और लाडा की राशि परियोजना निर्माताओं द्वारा जमा ना करवाए जाने की शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि इस बारे में बीते माह ही परियोजना निर्माताओं को धनराशि ब्याज सहित जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा परियोजना में इस्तेमाल की गई भूमि और उन्हें नौकरी देना और अन्य समस्याओं के बारे में भी परियोजना निर्माताओं के समक्ष बात की जाएगी। उसमें वो अपना दावा पेश नहीं कर पाए हैं, जो बिल वाउचर्स थे, पंचायत के रेजोल्यूशन थे, कुछ भी हमारे सामने पेश नहीं कर पाए हैं, तो हमने सब तथ्यों की छानबीन के बाद ही उनको ये आदेश दिए हैं कि इमीडिएटली जो रिमेनिंग अमाउंट है जो लाडा का इमीडिएटली जमा करवाएं और विद इंटरेस्ट उनको जमा करवाना होगा। इसके अलावा ये इनकी रोजगार को लेकर कुछ परियोजना द्वारा अवैध निर्माण किया गया है वहाँ पर, उसको लेकर भी इनकी समस्याएँ थी, तो उसके बारे में हम जल्द ही हम परियोजना से बात करेंगे और इनकी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे।